दोस्तों बीआर चोपड़ा की आपने महाभारत तो देखी होगी, उस महाभारत में जितने भी किरदार थे उनका अच्छी तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था और उन लोगों को बड़ा ही निरीक्षण करके उस महाभारत में काम करने के लिए चुना गया था और सभी लोगों ने बड़ा ही अच्छा रोल किया था। तो उन किरदारों में एक किरदार विदुर का भी था। विदुर का रोल जिन्होंने किया था, वे दोस्तों कहाँ से आए थे और कौन थे, क्या उनका नाम था और फिलहाल वो कहाँ गए और क्या उनकी मौत हो चुकी है या फिर अभी वे जिंदा हैं, इस पूरी सच्चाई को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। विदुर का रोल बीआर चोपड़ा की महाभारत में जिन्होंने किया था, उनका नाम था विजेंद्र राजदान। उनका जो जन्म था 1950 में हुआ था। दोस्तों भले ही महाभारत में उनका रोल बहुत छोटा था, लेकिन उनका छोटा रोल बड़ा ही कारगर था। लोगों में बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध हुए थे और लोग ये मानने लगे थे कि अगर विदुर होते तो वो इन्हीं के जैसे होते, यानी कि विजेंद्र राजदान के जैसे होते। वो विदुर के करेक्टर में इतना घुस चुके थे कि उन्होंने बिल्कुल हूबहू ऐसा रोल कर दिया था कि लगता था कि ये विदुर ही है। और आपको एक जानकारी और बता देता हूँ दोस्तों, विदुर और उनकी धर्मपत्नी कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अब दोस्तों यहाँ पर भूमिका छोटी जरूर थी, लेकिन वह बहुत ही दमदार थी, जोरदार थी। इनके पिता सूफी म्यूजिशियन थे और दोस्तों यह जब छोटे थे तो इनका जो मन था वह एक्टिंग में ज़्यादा लगता था, विदुर जी का यानी कि विजेंद्र राजदान जी का। तो यह बार बार अपने घर वालों से कहा करते थे कि मैं तो एक्टिंग करूँगा, मुझे एक्टिंग करनी है, फिल्मों में जाऊँगा। तो इनके पिता जो कि सूफी म्यूजिशियन थे, तो यह जैसे ही विदुर जी यानी कि जो विजेंद्र राजदान जी हैं यह बड़े होते हैं, तो इनका एडमिशन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इनका एडमिशन करवा दिया जाता है और वहाँ पर यह पढ़ाई करते हैं, एक्टिंग सीखते हैं। अच्छी तरह से मन लगाकर इनको पूरी एक्टिंग वहाँ पर आ जाती है। और दोस्तों उसके बाद दौर होता है 1982 का चालू। 1982 के दौर में इन्हें एक फिल्म मिली थी जिसका नाम था गांधी, और गांधी में जो अपोजिट रोल था मौलाना आज़ाद का रोल था। तो मौलाना आज़ाद का रोल विजेंद्र राजदान को मिला था, जो कि बहुत सराहनीय रोल था और इन्होंने दमदार भूमिका वहाँ पर निभाई थी मौलाना आज़ाद के रूप में, और वह रोल इनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। और पहली फिल्म में इनकी दमदार एक्टिंग लोगों को खूब भाई थी, पहली फिल्म से लोगों की नज़रों में चढ़ गए थे और एक अच्छे कलाकार माने जाने लगे थे। फिर उसके बाद ये काफ़ी फिल्मों में आए, काफ़ी जो सीरियल्स थे उनमें काम किया इन्होंने, और दोस्तों भारत एक नई खोज में भी इन्होंने अपना बखूबी किरदार निभाया था, बहुत अच्छा रोल था। फिर बीआर चोपड़ा की 1989 में महाभारत बन रही थी, तो इनके पास ऑफर आता है विदुर का रोल करने के लिए। तो दोस्तों यह विदुर का रोल की मना ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि इनको पता था, इनको क्या सभी लोगों को पता था कि बीआर चोपड़ा की जो महाभारत है वह इतिहास रचने वाली है, क्योंकि वहाँ पर कलाकारों को बड़े टेस्ट ले ले करके कलाकारों को लिया जा रहा था, उनकी स्क्रीनिंग होती थी, बड़े बड़े टेस्ट किए जाते थे और कलाकारों से ये भी कहा जाता था शुद्धता से और सात्विकता से रहना है, ना शराब पीनी है ना ही मांस मदरा खाना है। तो यहाँ पर विदुर जी समझ चुके थे कि बीआर चोपड़ा की जो महाभारत है वह इतिहास रचने वाली है, तो यह फिर महाभारत में विदुर का रोल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों महाभारत में विदुर के बाद इनको कई फिल्मों में देखा गया था, कई और फिल्मों में भी काम किया था, और महाभारत में जो इन्होंने काम किया था बड़ा ही सराहनीय था, छोटा रोल था लेकिन बहुत अच्छा था। और अब इनको बहुत सारी फिल्मों में और भी ज़्यादा किरदार मिले थे। एक बात और बता देना चाहता हूँ, महाभारत में जितने भी एक्टर काम कर रहे थे महाभारत खत्म होने के बाद उनको और जगह काम नहीं मिले थे, लेकिन विदुर जी को काम मिलते रहते थे, बहुत सारे काम इनको महाभारत के बाद भी मिले थे। 1998 में आदित्य पंचोली की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जंजीर। जंजीर में भी इनका विजेंद्र जी का बहुत अच्छा रोल था और वह बहुत ही यादगार रोल बन गया था। और दोस्तों देखा गया था कि इनकी जीवन की सबसे ज़्यादा हिट फिल्म यही थी जंजीर, इनमें इनके रोल की भी पूरी सराहना की गई थी। फिर 2008 में इनकी एक और फिल्म आती है, उस फिल्म का नाम होता है यार मेरी जिंदगी, उस फिल्म में भी इनको देखा जाता है। लेकिन दोस्तों अंदर की बात यह है कि इनकी मौत 2003 में ही हो चुकी थी और यह फिल्म कई सालों बाद रिलीज हुई थी। 2003 में इनकी मौत हो चुकी थी, ये भगवान के पास चले गए थे इस दुनिया को छोड़कर। तकरीबन 53 साल की उम्र में यह इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं
और इनकी मौत हो जाती है। बहुत छोटी सी उम्र थी जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन दोस्तों इनके जो भी किरदार थे, जो भी छोटे इन्होंने किरदार निभाए थे, जो भी इन्होंने रोल किए थे, वो बड़े ही दमदार थे और बहुत ही लोगों को इनके दमदार रोल अच्छे लगे थे। तो यहाँ पर विदुर जी की कहानी है, इनकी मौत हो चुकी है, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, और यहाँ पर आज हमने यहाँ पर चर्चा की है विदुर जी के बारे में। और अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी अलग कलाकार के ऊपर, और जानेंगे उसके इतिहास के बारे में, किस तरह से काम किया, किस तरह से सफलता मिली। आज हम यहाँ पर विदुर जी का जो रोल किया था विजेंद्र जी के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और हमारे चैनल फिल्मी कहानी को सपोर्ट करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नया चैनल है, इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।